ये वीडियो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, डजेंट मैटर कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी पेपर की या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी चीज आपके लिए जीएसटी के पास सस्ती होने वाली है और कौन सी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट आपके लिए महंगे होने वाले हैं, ओके, जब जीएसटी अपना स्टार्ट हो जाएगा देश के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं कई सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से महंगे होने वाले हैं और सस्ते होने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में उनके लिए कोई भी चीज़ महंगी होगी या सस्ती होगी। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है जो अपना जीएसटी स्लैब के बारे में, जीएसटी के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, जीएसटी क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होगा इस वीडियो के अंदर, ओके, क्योंकि उम्मीद है कि जीएसटी के बारे में आप सभी ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, काफी कुछ जान लिया होगा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं जीएसटी स्लैब्स की, कौन से स्लैब, जैसे कि आपको पता है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ओके, और 28% प्लस सेस, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को डाला गया है जिससे कई सारे प्रोडक्ट्स कुछ महंगे होंगे और कुछ सस्ते होने वाले हैं। तो वो सभी चीज़ें मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। अगर अपन बात करें टोटल प्रोडक्ट्स और आइटम्स की, तो इस जीएसटी स्लैब के अंदर 1211 आइटम, ओके, इंक्लूड करे गए हैं। और इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि हो सकता है पेपर में आपसे एक आधी पूछ लिया जाए कि हनी बताइए, ब्रांडेड हनी बताइए कौन से स्लैब के अंदर आएगा, इकोनॉमिक क्लास की फ्लाइट की अगर आप टिकट करवाते हैं तो वो कौन से स्लैब के अंदर आएगा, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए। बाकी आपकी डेली लाइफ के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा रिफॉर्म है जो कि देश के अंदर हुआ है टैक्स सिस्टम के अंदर। तो कुल मिला के अगर अपन सबसे पहले बात करें कि इससे फायदा है नुकसान, तो 81% जो टोटल आइटम्स हैं वो अंडर 18% ही आ रहे हैं, 18% टैक्स के अंदर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देश के लिए विन विन कंडीशन है, ओके, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इनिशियली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद में दुनिया में जितने देशों ने इसको अप्लाई किया है उसके बाद में उनको काफ़ी फायदा हुआ है। तो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीएसटी के जो पूरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो अपन दे रहे हैं स्लैब्स में लेके आए हैं, इसके बाद में अपनी इंप्रूव होगी रैंकिंग किसके अंदर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, और साथ में अपनी जीडीपी ग्रोथ होगी 1.5 से 2% अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएगा। साथ में इंडिया ने 160 देशों के जो ये ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पे वैट, जो ये वैट सिस्टम है, इस यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है। तो कुल मिला के कई सारे फायदे हैं, फायदे आपको जीएसटी के अंदर जब आपने पढ़े होंगे काफी सारे मिल गए होंगे। सिंपल सा अपन इसी चीज से देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर चेक पोस्ट के अंदर रोज 20,000 ट्रक आते हैं जो कि 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाते हैं सिर्फ एंट्री फी देने के लिए, जिससे उनका कितना टाइम वेस्ट होता है और कितना जो मूवमेंट है गुड्स का वो कितना स्लो हो जाता है। तो जब ये टैक्सेशन सिस्टम लग जाएगा तो काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएगी और उम्मीद है देश में काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि 0% टैक्स के अंदर रखी गई है, इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये देखिए, उसके बाद मैं सर्विसेज के बारे में बात करूंगा कि सर्विसेज के अंदर क्या है। तो सबसे पहले गुड्स के अंदर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% वाली चीजें अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन चलेंगे सर्विसेज की तरफ, क्योंकि जीएसटी की फुल फॉर्म यही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले अपन गुड्स देख लेते हैं। देखिए गुड्स के अंदर वीट, राइस, सीरियल्स, ब्रांडेड ब्रेड है जो आपके, ओके, उसके बाद में मिल्क, कर्ड, लस्सी, पनीर, एग, फिश, हनी, ओके, जो कि नॉर्मल है, जैसे कि ब्रांडेड हनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रांडेड हनी होगा वो टैक्स में आएगा, लेकिन जो नॉर्मल हनी है जो कि वैसे मिलता है, तो ये 0% के अंदर है। तो वैसे ही वीट और राइस के अंदर भी यही है, ब्रांडेड अगर होगा ये, जैसे शक्तिभोग आटा है, कोई ब्रांडेड वीट है, तो ये टैक्स के अंदर आएगा, लेकिन नॉर्मल वाला नहीं आएगा। वैसे ही वेजिटेबल है, सॉल्ट है, वर्मेलियन यानी कि सिंदूर जो होता है वो, चूड़ियाँ, स्टैम्प पेपर, कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो आपको पोस्ट कार्ड एनवलप मिलते हैं, बुक, पेंसिल, स्लेट, चौक, न्यूज़पेपर और मैगजीन, बच्चों के पढ़ने के लिए मैप, एटलस, ग्लोब, हैंडलूम इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, इसको बढ़ावा काफ़ी मिलेगा, तो देश को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद में मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, फार्मिंग के, जैसे कि देश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फार्मिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं और सीड हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, ये सभी 0% के अंदर रखे गए हैं। साथ में ब्लड और हेयरिंग एड, सुनने की, कान की सुनने की मशीन। तो कुल मिला के अगर मैं इन सभी प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो जो लोअर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए मस्ट मस्ट चीजें हैं, ओके, उनकी चीजों को 0% में रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर जितने भी चीजें देखेंगे आप, ये वो है जो मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, चाहे वो वीट हो, राइस हो, पेंसिल, स्लेट हो, न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, हैंडलूम हो, साथ में एग्रीकल्चर के फार्मिंग इक्विपमेंट हो। तो सिंपली अगर आप ज़्यादा चीज़ों को डेप्थ में नहीं याद रखना चाहते, तो इतना सा भी याद रख सकते हैं कि 0% में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया गया है। फिर देखते हैं 5% टैक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने अभी आपको बताया ब्रांडेड वीट हो गया, ब्रांडेड ओट्स, ब्रांडेड हनी, ओके, जैसे कि अगर आप डाबर का हनी खरीदेंगे तो उस पर 5% लगेगा।
शुगर, टी, कॉफी, स्वीट, अपनी मिठाइयाँ, ऑयल, मिल्क पाउडर, ओके मिल्क पाउडर जो कि मेट्रो सिटीज़ में काम में आता है, इसलिए यहाँ पे 5% लगाया गया है। बच्चों के जो फूड हैं, पिज़्ज़ा, रस्क, टोस्ट, फ्रोज़न और जो वेजिटेबल जो आपके रिलायंस में, बिग बाज़ार में, ऐसी जगहों पे जो फ्रूट और वेजिटेबल मिलते हैं उन पे 5%, पैक्ड जो पनीर आएगा उसके ऊपर, ठीक है, पहले अभी 0% में पनीर था लेकिन पैक्ड होगा अगर वो तो 5%। वैसे ड्राई फिश, न्यूज प्रिंट, कैरोसिन, किचन गैस, ओके आइसक्रीम हुआ, स्पाइसेस हुए, जूस हुआ, लाइफ सेविंग मेडिसिन हुई, ओके ये क्रीम है, ठीक है, और उसके बाद में मेडिसिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस की किट है, व्हील चेयर, लाइफ बोट है, हैंड पंप है, उसके पार्ट्स है, सोलर वाटर हीटर है, यानी कि सोलर चीज़ों को भी 5% से स्टार्ट किया गया है, उनके ऊपर टैक्स लगाना ताकि थोड़ा बढ़ावा मिले। ओके रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, देखिए रेन्यूएबल और सोलर हीट दोनों को 0% में ना रखे, 5% में रखा गया है ताकि इसकी बढ़ावा भी मिले और सरकार को थोड़ा बहुत फायदा भी हो। उसके अलावा ब्रिक, सैंड टाइल्स, रिक्शा के टायर, कोल और कोल गैस, तो कुल मिला के वो चीज़ें जो कि लोअर क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके जो कि लोअर मिडिल क्लास जो कि बीपीएल कैटेगरी में नहीं है उनके लिए इस 5% को रखा गया है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आई है। जैसे कि एक लोअर मिडिल क्लास पैक्ड पनीर लेता है, ओके हैंडपम्प की कभी कभार जरूरत पड़ती है, लाइफ बोट की बहुत कम होती है, ठीक है, स्पाइसेस डिपेंड करता है कौन कितने यूज करेगा, मिल्क पाउडर, तो कुल मिला के वो सब चीज़ें इसमें ऐड ऑन करी गई है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड करती है या फिर लेती है रोजमर्रा का जिंदगी के अंदर। फिर देखते हैं 12% के अंदर कौन सी है, ये वो है जो कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, ओके लोअर मिडिल क्लास नहीं है उसके काम की चीजें हैं, ओके लोअर क्लास जो मिडिल क्लास फैमिली है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। देखिए नमकीन, भुजिया, बटर ऑयल, घी, मोबाइल फोन, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस, ये बहुत चलते हैं, ओके सोया मिल्क हो गया, जूस, अगरबत्ती, कैंडल, आयुर्वेद और ये सब जो अपनी नेचुरल है, नेचुरल जो अपने मेडिसिन हैं, यूनानी, सिद्धा, इन सब के ऊपर भी होम्योपैथी 12% है। ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट अपने टूथ पाउडर है, बायोगैस, क्राफ्ट पेपर है, चिल्ड्रन बच्चों के कलर बुक है जो कि अच्छे स्कूल्स में काम में आती है, प्रिंटेड कार्ड्स हैं, जो आपके चश्मे के लेंसेज हैं, एलईडी लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स पे भी 12% है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ओके स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स है, बर्तन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली में बहुत काम में आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, साइकिल पार्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, ओके स्पोर्ट्स गुड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12% में है, स्कूटर, कार, मोबाइल, ग्रेनाइट ब्लॉक्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश की जो ब्रिक है, फ्लाई ऐश कहाँ से निकलती है, थर्मल पावर स्टेशन से निकलती है, ओके तो ये सभी चीज़ें जो कि एक मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली यूज़ करती है उन पर 12% चीज़ें इंप्लीमेंट करी गई है, जो जो आपको काम में आती है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ सस्ती होने वाली है या फिर महंगी होने वाली है। उसके बाद 18% में थोड़ा और हायर है, यानी कि जो अपर मिडिल क्लास सेक्शन है वो इसको यूज़ करता है ज़्यादातर, जैसे कि हेयर ऑयल, सोप है, टूथपेस्ट, कॉर्नफ्लेक्स, केक, जैम, आइसक्रीम, पहले मैंने क्रीम बताया था सिर्फ, अभी आइसक्रीम है, ओके निकोटीन की निकोटीन गम है जो कि सिगरेट और को छुड़ाने के लिए लोग काम में लेते हैं, उसके बाद में ठीक है मिनरल वाटर है, डायबिटीज वाली जो चीज़ें हैं वो, नोटबुक, अकाउंट बुक, फाउंटेन पेन, नैपकिन, टिश्यू पेपर, ओके टॉयलेट पेपर, कैमरा, स्पीकर, तो हर किसी गरीब के घर में कैमरा स्पीकर नहीं होता है इसीलिए ये वहाँ पे ऐड नहीं किया गया 5% और 0% में, इस पर थोड़ा टैक्स लगाया गया है क्योंकि ये अपर मिडिल क्लास पे ले रही है। प्लास्टिक के हेलमेट हो गया, पाइप हो गया, पेस्टिसाइड्स, रिफ्रैक्ट्री सीमेंट, बायोडीजल, ट्यूब लाइट हुए, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर है, ऑप्टिकल फाइबर है, स्पैक के फ्रेम्स हैं आपके, गोगल्स हैं, तो ये सभी किसके अंदर 18% के अंदर एड ऑन करे गए हैं। ओके यहाँ पे पेपर में अगर कुछ पूछा जा सकता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बायोगैस, बायोडीजल, उसके बाद में पेस्टिसाइड, ठीक है, और ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 28% यानी कि जो रिच सेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, ओके रिच सेक्शन, अब ये मिडिल क्लास में नहीं, अपन अपर क्लास में ही आ गए हैं, मिडिल क्लास से अपन बाहर आ गए हैं और अपर क्लास के अंदर आ गए हैं जो कि सोसाइटी का काम में लेता है। इंस्टेंट कॉफी, कॉफी मशीन सबके घर में नहीं होती है, 28%। चॉकलेट, परफ्यूम, शैम्पू, बॉडी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, हेयर ड्रायर हैं, पाउडर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सनस्क्रीन, लोशन, मैनिक्योर, पेडिक्योर, शेविंग क्रीम, रेजर, आफ्टर शेव, ओके लिक्विड सोप्स हैं, डिटर्जेंट, टीवी, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, इलेक्ट्रिक हीटर, प्रिंटर, ओके कॉपी और फोटोशॉप की मशीन जो कि बिजनेस जो कि आपके बिजनेस होता है तो वहाँ पे काम में ली जाती है, लेदर प्रोडक्ट्स, ओके वॉचेस, वीडियो गेम्स, कंसोल, सीमेंट, पेंट वर्निश,
मार्बल ग्रेनाइट के ब्लॉक नहीं है इसके अंदर इंक्लूड, ओके, स्टील पाइप्स है, लैंप्स, तो ये सभी चीजें 28% के अंदर इंक्लूड करी गई हैं, जो कि अपर क्लास ज्यादातर यूज में लेता है। यहां पे अगर पेपर में अगर कोई इंपॉर्टेंस है पूछा जा सकता है तो लेदर प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है, स्टील पाइप पूछे जा सकते हैं आपसे, इसके अलावा और कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं 28 प्लस सेस, यानी कि जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो कि रिचर सेक्शन, ओके, रिचर का भी, रिचर से भी ऊपर, यानी कि जो मिलेनियर वाली कैटेगरी के अंदर है, वहां कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए वो चीजें यहां पे 28% के साथ में सेस भी लगाया गया है। अगर अपन स्मॉल फोर व्हीलर की बात करें, यानी कि देखिए जिसको फोर व्हीलर में रखते हैं उनके 28% प्लस सेस लगाया गया है, तो जो अगर पेट्रोल व्हीकल अगर आप ले रहे होंगे और अगर आपका इंजन 1200 सीसी से कम का है तो आपको 1% एक्स्ट्रा सेस देना पड़ेगा 28% के अलावा, 28% प्लस सेस है इन चीजों के ऊपर जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, अगर 1200 सीसी से कम है तो, यानी कि टोटल आपको 29% देना पड़ेगा टैक्स। अगर आप डीजल व्हीकल ले रहे हैं जो कि 1500 सीसी से कम है तो 3% सेस देना पड़ेगा, यानी कि 43%, ओके, 43 नहीं होगा यहां पे, 31% होगा, ठीक है, 31% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वैसे अगर बाइक की बात करें, जो कि अगर आप 350 सीसी से ज्यादा की बाइक लेंगे तो 3% आपको सेस देना पड़ेगा, यानी कि 31% आपका टोटल टैक्स लगेगा। चार्टर्ड प्लेन लेना है तो वही 31%, 3% सेस, कोल्ड ड्रिंक के अंदर 12% सेस एक्स्ट्रा लगाया गया है, यानी कि टोटल आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। वैसे पान मसाला जो कि विदाउट टबैको होते हैं उनमें 60% एक्स्ट्रा सेस लगाया गया, यानी कि टोटल आपका हो गया 60 + 28 88% टैक्स। विथ टबैको वाली प्रोडक्ट्स के अंदर पान मसाला में 204% सेस लगाया गया, यानी कि 232% के अंदर ये मिलेंगे, और बाकी के जो टबैको प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर 61 से 160% टैक्स लगेगा, यानी कि टोटल 89 से 188% के आसपास आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा, ओके। तो ये 28+ सेस वाली चीजें मैंने आपसे डिस्कस करी है, पेपर में इससे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं सर्विसेज, मैंने अभी आपसे गुड्स की बात करी है, कौन कौन से आइटम्स थे, प्रोडक्ट्स थे, अभी कौन कौन से सर्विसेज में क्या क्या टैक्स लगेगा। देखिए अगर आप एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, नॉन एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन की टिकट ले रहे हैं अगर आप, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0% है। वैसे मेट्रो, बस, ऑटो, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ केयर में 0% टैक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा। वैसे रीजनल और चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओस, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है, पीएफ, ईपीएफओ और ईएसआईसी सर्विसेज में नहीं है, म्यूजियम जाएंगे तो भी नहीं है, नेशनल पार्क एंट्री के अंदर भी टैक्स नहीं लगेगा आपका, जनधन, अटल पेंशन, जो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं उसके अंदर भी सर्विसेज 0% है टैक्स, और जो 1000 रुपये से कम रेंट वाले जो होटल्स हैं वहाँ पे भी 0% टैक्स है, तो ये सब सर्विसेज के अंदर है। तो यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत हाईलाइट हो रहा है ये चीज, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वैसे 5% की बात की जाए तो एसी के ट्रेन के टिकट अगर आप लेते हो, एसी का ट्रेन वाला 5%, नॉन एसी का 0%। कैब सर्विसेज सस्ती होने वाली है, 5% है। इकोनॉमिक एयरप्लेन के टिकट सस्ते होने वाले हैं, टूर ऑपरेटर सर्विसेज, मीडिया, प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट, अगर आपको प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट देना है तब भी आपको 5% ही टैक्स आपका लगेगा, ओके, तो यह भी सस्ती होने वाली है। फिर देखते हैं 12% वाली, अगर आप एयरप्लेन के अंदर बिजनेस क्लास ले रहे हैं, अगर इकोनॉमिक क्लास में 5% था और बिजनेस क्लास में 12% है, नॉन एसी रेस्टोरेंट, ओके, नॉन एसी है रेस्टोरेंट तो 12% है, अगर 1000 से 2500 रुपए के बीच का होटल है तो भी 12% है, और कॉम्प्लेक्स या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी 12% है, ठीक है। अब 18% में ऑब्वियस है, जो ये एसी वाली चीजें हैं ये एसी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए 18% में क्या है, बैंकिंग, फोन बिल आपका, इंश्योरेंस सर्विसेज, एसी और अल्कोहल लाइसेंस वाले जो रेस्टोरेंट है जहां पे बार है यानी कि, और साथ में रेस्टोरेंट भी है, एसी है, तो वहां पे 18% आपको टैक्स लगेगा। वैसे 2500 से 5000 के बीच के होटल, सर्कस, इलेक्ट्रिक क्लासिकल फोक डांस, ड्रामा टिकट, ड्रामा यानी कि अगर आपके क्लासिकल फोक डांस देखने जाते हो, ड्रामा देखने जाते हो, जहां पे 250 रुपये ज्यादा की टिकट है तो वहां पे भी आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। वैसे 28% टैक्स के स्लैब में देखिए सिनेमा टिकट, थीम पार्क, वाटर पार्क, कैसिनो, आईपीएल जैसे बड़े इवेंट हैं स्पोर्ट्स के, और जो 5-स्टार होटल है, साथ में ऐसे होटल जिनका रूम रेंट 5000 रुपये से ज्यादा का है, वो सब 28% के अंदर आएंगे, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। देखिए नॉन एसी एसी के अंदर फर्क समझना है और आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपके लिए क्या महंगा और सस्ता होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी लोगों के लिए देश के इंपॉर्टेंट था, आपके पेपर के लिए नहीं। अगर आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, साथ में अपने दोस्तों को बताएंगे तो उनको भी ये टैक्स के अंदर क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है समझ में आएगा, जो कि उनके बहुत काम आएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।